फायदा है। राष्ट्रपति जी की यात्राओं पर भी आप कांग्रेस आने वाली बात कर रहे हैं? आरोप, ये आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है। पूरा राजस्थान जानता है उपराष्ट्रपति जी के जितने भी दौरे हो रहे हैं वो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो सोच समझ कर कही है। मेरा मानना है कि जब धनखड़ साहब जब बंगाल के गवर्नर थे तब भी उनके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हुए थे। जो राजप्रमुख होता है उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होती है, और संविधान से जो ये तो संविधान प्रमुख है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो इनकी तो गरिमा बहुत ज़बरदस्त होती है। कहीं भी इलेक्शन होते हैं आप किसी पार्टी के जरिए उपराष्ट्रपति बने हैं वो अलग बात है, लेकिन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ा दिल हो जाता है। जिस तरह से दौरे उपराष्ट्रपति जी के हो रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है वो पूरा राजस्थान देख रहा है। मेरा ये मानना है कि उपराष्ट्रपति की गरिमा बनी रहनी चाहिए, और गरिमा के लिए उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत भी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर राजनीति करने के आरोप कभी नहीं लगे, जबकि उनसे बड़े तो लीडर है ही नहीं, वो तो स्टारवर्ल्ड रहे, खुद राजनीति के इतने बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के बाद इस तरह से उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस तरह दौरे, राजनीतिक दौरे कभी नहीं किए। सर, हमेशा आप लोग बीजेपी के कहते रहते हैं वो धार्मिक देवदर्शन यात्रा उधर करती है, आपको मुख्यमंत्री जी भी धार्मिक यात्रा पर निकल गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए कोई मनाही है क्या? मुख्यमंत्री जी भी धार्मिक है, मुख्यमंत्री जी की पत्नी और मुख्यमंत्री भी अष्टमी की पूजा करते हैं, बाकी पूजा पाठ करते हैं, तो ये कोई धार्मिक, धर्म क्या है? जन कल्याण और विकास के रास्ते पर जो अपने प्रदेश को और देश को मजबूती के लिए काम करे वही धर्म का रास्ता है, और उस रास्ते पर मुख्यमंत्री और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चल रही है, और हमारा तो काम बोलता है। अब तो बात क्लियर हो गई। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस का कोई भी नेता हमारी सरकार को नंबर कैसे दे सकता है? नंबर तो जनता दे सकती है, जनता तो कांग्रेस की सरकार को 100 में से 100 नंबर दे रही है, बीजेपी को 0 नंबर दे रही है, क्योंकि बीजेपी पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई करके जो देश के हालात क्रिएट कर दिए, पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त है। ऐसे में बीजेपी को अपने काम बताने चाहिए, उपलब्धि बतानी चाहिए। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोलती है, बीजेपी अपने काम नहीं बोल रही। देखिए, ये मुझे पता नहीं है क्या इनके अंदर बीजेपी में क्या चल रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि बीजेपी की चुनाव की रिजल्ट का जो सर्वे है वो ठीक नहीं आ रहा। सर्वे जो बीजेपी का खुद का सर्वे, उसमें भी कांग्रेस जीत रही है, तो बीजेपी में बड़ा हड़कंप है। इसीलिए बीजेपी के सब बड़े नेता बार बार राजस्थान का चक्कर लगा रहे हैं, तो बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी वैसा रिजल्ट और वैसा समर्थन मिला नहीं, परिवर्तन यात्रा फेल हो गई, जनता जुटा नहीं पाए, सारे नेता केंद्र के लाए गए लेकिन फिर भी भीड़ नहीं जुटी, क्योंकि लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं, केंद्र सरकार का कोई रिजल्ट है नहीं। इतना मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी, और बीजेपी के नेता या कितने भी आ जाए, कितनी भी प्लानिंग, कोई प्लानिंग और षड्यंत्र नहीं चलेगा।